पंकज त्रिपाठी ने अपने गांव में बनवाई लाइब्रेरी। पिता के निधन के बाद किया नेक काम, अपने गांव के स्कूली बच्चों को दिया तोहफा। गांव में सरकारी स्कूल में एक्टर ने बनवाई लाइब्रेरी। बॉलीवुड के कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी सिंपल और सादगी भरी जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। हाल ही में पंकज त्रिपाठी के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद से ही पंकज अपने गांव में ही रुके हुए हैं और पिता के श्राद्ध कर्म की सभी रस्मों को पूरा कर रहे थे। इसी बीच पंकज त्रिपाठी ने गांव में रहकर कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, हाल ही में पंकज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिन तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है। दरअसल बिग टाउन के कालीन भैया ने पिता के निधन के बाद गरीब बच्चों की काफी मदद की है। उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में किताबों की लाइब्रेरी दान की, जिसकी फोटोज सभी के सामने आई तो फैंस का दिल खुश हो गया। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर पिछले 14 दिनों से अपने गांव बेलसंड में हैं। पिता के निधन के बाद से ही वे अपने गांव में समय बिता रहे हैं। उन्होंने 1 सितंबर को पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध कर्म से पहले पंकज त्रिपाठी ने पिता की अस्थियों को बनारस स्थित गंगा में बहाया था। वाराणसी से लौटने के बाद से वे अपने गांव में अपने बचपन के स्कूल को संवारने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी, उनके बड़े भाई बिजेंद्र तिवारी, भतीजे मदेश तिवारी ने मिलकर स्कूल में एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। इस लाइब्रेरी में रोचक कहानी की किताबें, प्रेरणादायक किताबें और अन्य सिलेबस से जुड़ी किताबों का संग्रह किया गया है। इतना ही नहीं, पंकज ने यहाँ बच्चों को पढ़ाई के टिप्स दिए तो वहीं एक्टर ने स्कूल में और बेहतर व्यवस्था करने को लेकर बच्चों से और स्कूल के प्रबंधन से बातचीत की। तो वहीं इस मौके पर OMG2 एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वे बचपन से इसी स्कूल में पढ़े, फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना गए, वहां से फिर वे मुंबई में चले गए, लेकिन उन्हें जब भी समय मिलता है वे अपने गांव में आते हैं। उनका सामाजिक दायित्व भी है कि वे अपने गांव के स्कूल को डेवलप करें, बच्चों को एक बेहतर शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराएं। इसलिए वो यहां हर बेहतर व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे स्कूल के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। बता दें कि पंकज त्रिपाठी की हालिया फिल्म OMG2 थी, जिसमें वो अक्षय कुमार और यामी गौतम के साथ आए थे। इस फिल्म ने 100 करोड़ के पार कमाई कर ली और हिट का तमगा हासिल किया। अब जल्द ही पंकज त्रिपाठी बायोपिक मैं अटल हूं में नजर आएंगे। ये फिल्म अगले दिसंबर में आने वाली है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी की और कई फिल्में आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।